हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ वेदर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर इंक्लूड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रेन एंड स्नो एंड विंट इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सब चीज़ें हमारे एलिमेंट कहलाते हैं वेदर के तो वेदर को हम किस तरह से स्टडी करते हैं सीहियर नंबर वन मैक्मम एंड मिनिमम टेम्परेचर द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर पूरे दिन में जब भी हम सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको उस दिन का मैक्सीम टेम्परेचर कहते हैं और उसी तरह से पूरे दिन में जब हम सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं तब हम उसको उस दिन का मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल थर्मामीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर टू प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रीच्ड ड्यूरिंग अ होल डे एंड रिकॉर्डेड मैक्सिमम और मिनिमम हम पूरे दिन में रिकॉर्ड करते हैं पूरे दिन में जब भी मैक्सिमम होता है तो हम उसे मैक्सिमम बोलते हैं जब भी मिनिमम होता है तो हम उसे मिनिमम बोलते हैं देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है दिस इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर और इसी से हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं नाउ वट इज़ गिवन हियर इन द ब्लू बॉक्स वी फील कूल कंफर्टेबल एंड क्वाइट प्लेजेंट इन द अर्ली मॉर्निंग आपने देखा होगा जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस समय ठंडक होती है इवन इन समर्स गर्मियों में भी और विंटर्स में तो बहुत ठंडा होता है उस समय पर दिस इज़ बिकॉज इन द अर्ली मॉर्निंग द सन्स स्लैंटिंग रेज डू नॉट हीट अप द ग्राउंड एंड एयर एज मच एज दे डू लेटर ड्यूरिंग द डे आपने देखा होगा जो सन की रेज हैं वो जब सीधी आती हैं तो हमारी अर्थ बहुत गर्म हो जाती है मींस जब सन बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर आ जाता है तब बहुत गर्मी होती है तो उस समय पर क्योंकि सन की रेज सीधी अर्थ पर आ रही होती हैं तो बहुत गर्मी होती है और अर्ली मॉर्निंग में हमारे ऊपर बिल्कुल भी हीट नहीं आती है सन की उस समय पर हमें बहुत प्लेजेंट फील होता है बहुत कूल फील होता है तो जो हम मिनिमम टेम्परेचर है कम वाला टेम्परेचर वो अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड करते हैं और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आफ्टरनून में जिस समय पर सन बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर होता है उस समय पर रिकॉर्ड करते हैं द मिनिमम टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर डे इज़ रिकॉर्डेड इन द अर्ली मॉर्निंग वैन द सराउंडिंग्स आर कूलर एज द डे एडवांसेज जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है इट बिकम्स वार्मर हम हम फील करते हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है द डायरेक्ट सन रेज हीटअप द ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट अब हमारी जो सन की हीट है वो बढ़ती चली जाती है और इससे हमारा अर्थ जो है वो गर्म हो जाती है द मैक्सिम टेम्परेचर पर्टिकुलर डे रीचेज सम द आफ्टरनून दोपहर में किसी भी समय पर मैक्सिमम टेम्परेचर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जब भी वो मैक्सिमम होगा दिस मेक्स द सराउंडिंगस वेरी हॉट एंड अनबियरेबल ड्यूरिंग समर्स दोपहर में बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है अनबियरेबल गर्मी हो जाती है फॉर दिस रीजन वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून ड्यूरिंग समर्स इसीलिए दोपहर में हमें बहुत परेशानी होती है हम बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते हैं सेकेंड एलिमेंट ऑफ द वेदर इज ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी इज़ द मेज़र ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर वेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ हाई वी से दैट ह्यूमिडिटी इज़ हाई जब एयर के अंदर वाटर कंटेंट बहुत बढ़ जाता है तो हम कहते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ गई है और ह्यूमिडिटी के बढ़ने से हमें डिस्कम्फर्ट हो जाता है हमें बहुत परेशानी होती है द वेदर रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर्स शो ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज परसेंटेज में दी जाती है ह्यूमिडिटी दे एक्चुअली रेफर टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्चुअली वो हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इट इज़ एक्सप्रेसड एज द परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट द टेम्परेचर वो वाटर वेपर जिसको एयर मैक्सिमम अपने अंदर होल्ड कर सकती है कैरी कर सकती है उस टेम्परेचर पर दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी ऑफ हंड्रेड परसेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मीन्स दैट द एयर इज सेचूरेटेड विद वाटर वेपर एट दैट टेम्परेचर मीन्स किसी भी समय अगर ह्यूमिडिटी हंड्रेड परसेंट हो गई तो इसका मतलब है एयर सेचूरेटेड हो गई अब उसके अंदर और वाटर कंटेंट नहीं आ सकता ह्यूमिडिटी ऑफ फिफ्टी परसेंट मीन्स दैट द एयर कंटेंस हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑक्यूपाइड फॉर सेचुरेशन रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन एट दैट टेम्परेचर मीन्स अभी एयर के अंदर हाफ परसेंटेज वाटर की है और हाफ परसेंटेज एयर की है तो अभी हाफ वाटर और कैरी कर सकती है हाफ परसेंटेज ऑफ वाटर और कैरी कर सकती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है हाइग्रोमीटर ज़्यादा क्लियर नहीं है थोड़ा डार्क हो गया है आप बुक में देख सकते हैं हाइग्रोमीटर से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेज़र करते हैं नेक्स्ट इज रेन एंड स्नो इन द क्लाउड्स वेन द वॉटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टूगेदर एंड बिकम हैवी दे कम डाउन एज रेनफॉल अगर क्लाउड्स uh, के अंदर जो वाटर वेपर है वो इतना बड़ा हो जाए जुड़ जाए इकट्ठा हो जाए और वो वहाँ पर ना रुक पाए इतना हैवी हो जाए इतना भारी हो जाए कि वो गिर जाए वाटर की ड्रॉप की तरह तो हम इसे कहते हैं रेन रेनफॉल वेन द टेम्परेचर इज़ वेरी लो द वॉटर ड्रॉपलेट्स इन अ क्लाउड फ्रीज इन टू क्रिस्टल्स ऑफ आइस एंड फॉल डाउन एज स्नो और ऐसे ही अगर वहाँ पर टेम्परेचर भी डाउन हो जाए अभी तो मैंने आपको बताया कि कंडेंस हो जाए वाटर इकट्ठा हो जाए और इतना भारी हो जाए कि वो गिर जाए तो वो रेनफॉल कहलाता है लेकिन उसी समय पर अगर टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाए और जो वाटर है वो फ्रीज हो जाए क्रिस्टल बन जाए उसका सॉलिड बन जाए आइस बन जाए तब क्या होगा वो आइस की तरह नीचे गिरने लगता है एंड वी कॉल इट स्नोफॉल इसको हम स्नोफॉल कहते हैं फॉल डाउन एज स्नो रेनफॉल इज जनरली मेजर्ड इन मिलीमीटर्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज रेनफॉल को हम रेन गॉज से मेज़र करते हैं रेनगोज रेनगोज क्या है देखिए यहाँ पर डायग्राम दिखाया हुआ है आपको रेनगोज इज़ अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल एट द टॉप इसके टॉप पर एक फनल होती है जिससे हम रेन को इकट्ठा कर लेते हैं एक कंटेनर के अंदर और फिर उसके ऊपर एक स्केल बना होता है उससे मेज़र कर लेते हैं कि कितनी रेन हुई है रेनगोज मेजर्स द रेन एट अ प्लेस इन मिलीमीटर्स अगर बहुत ज़्यादा है तो हम इसे सेंटीमीटर में भी मेज़र कर लेते हैं नौ रिसर्चर्स आर यूजिंग स्पेस बेस्ड रेनफॉल ऑब्जर्वेशंस एंड कंपेयरिंग दैम टू द करेंट एंड हिस्टोरिकल ग्राउंड बेस्ड रेनफॉल डाटा टू ऑब्जर्व

अपनी टेक्नोलॉजी से ये बताते हैं इनको ऑब्ज़र्व करते रहते हैं गॉज के थ्रू कि कितनी बारिश हुई है और कितनी बारिश और होने वाली है या कितनी कम होने वाली है जिससे हम पहले ही ये बता सकें कि जो आ, आगे कंडीशन होंगी तो कहीं सूखा तो नहीं पड़ने वाला फेमाइन की कंडीशन तो नहीं सॉरी ड्राउट की कंडीशन तो नहीं होने वाली है ड्राउट तो नहीं हो रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्लड्स आ रही हों फ्लड हो, हो जाए बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये एडवांस में ही हमें अलर्ट कर देते हैं अपनी रिसर्च के थ्रू अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जिससे हमें पहले ही पता लग जाता है कि आने वाले दिनों में सूखा पड़ने वाला है ड्राउट होने वाला है या फ्लड्स होने वाली है द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेदर इज़ विंड द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड ड्यूरिंग विंटर्स वन द विंड्स ब्लो फ्राम द माउंटेंस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया टूवर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स द प्लेंस बिकम वेरी कोल्ड आपने देखा होगा हमारे यहाँ नॉर्थ में ऊपर हाई माउंटेंस है हिमालज वहाँ से जब हवा आती है तो हमारे जो नॉर्थ के हैं, वहाँ पर बहुत ठंडा मौसम हो जाता है ड्यूरिंग समर्स गर्मियों में क्या होता है द विंड्स ब्लो फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया टूवर्ड्स कोस्टल एंड ईस्टर्न इंडिया एंड दीज रीजन्स बिकम वेरी हॉट समर्स में इसका जस्ट अपोजिट होता है जो विंड है वो वेस्टर्न इंडिया से चलती हैं वेस्टर्न इंडिया मीन्स वेस्ट किधर है हमारा जिधर हमारा गुजरात है जिधर हमारा महाराष्ट्र है वहाँ से विंड चलती हैं और किधर की तरफ जाती हैं ईस्टर्न इंडिया की तरफ जिधर आसाम है क्लियर वेस्ट बंगाल है तो उधर की तरफ जाती हैं और इनसे हमारा जो वेदर है ये बहुत हॉट हो जाता है तो विंड की डायरेक्शन से विंड की स्पीड से हम ये बता पाते हैं कि हमारा वेदर हॉट होने वाला है कोल्ड होने वाला है या ह्यूमिड होने वाला है या बारिश आने वाली है तो इस तरह से हम वेदर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से बता सकते हैं एक चीज़ और वेदर बहुत जल्दी चेंज होने वाली चीज़ होती है सुबह धूप निकली होती है दोपहर को बारिश आ जाती है शाम को ना धूप होती है ना बारिश होती है तो ये जो तीनों बार बदल गया सुबह जो हॉट था दोपहर को जो बारिश होने से वेट हो गया और शाम को जो नॉर्मल हो गया ये जो चेंज हुआ ये क्या चेंज हुआ वेदर, वेदर एक बहुत जल्दी चेंज होने वाली चीज़ है